यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी यूरिन का लीक हो जाना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत से लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, लेकिन ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है तो लोग इस प्रॉब्लम के बारे में और इससे जुड़े सिम्टम्स के बारे में डिस्कस नहीं करते, शेयर नहीं करते और साइलेंस में ही सफ़र करते रहते हैं। आई एम डॉक्टर एकता बजाज, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। आज हम आपसे इस प्रॉब्लम से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यूरिन अनइंटेंशनली लीक क्यों हो जाता है और इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं। वीकेंड ब्लैडर मसल्स या फिर इंजरी टू पेल्विक फ्लोर मसल्स, ये लेडीज में डिलीवरी के दौरान हो सकता है या फिर किसी सर्जरी के पश्चात, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका वेट ज़्यादा है या फिर मेनोपॉज। मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन लेवल्स फॉल करते हैं जिसकी वजह से ब्लैडर कंट्रोल कम हो सकता है। ब्लैडर कैंसर, इन्फेक्शंस जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन एंड किडनी स्टोन, ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्लैडर। ऑब्स्ट्रक्शन के बहुत से कारण हो सकते हैं जैसे कि कैंसर, स्टोन या फिर कोई बेनाइन ग्रोथ। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज, डिमेंशिया, पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर स्ट्रोक के बाद एंड डायबिटीज मेलाइटिस। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का कारण हो सकती हैं एंड मेल्स में एनलार्ज प्रोस्टेट या फिर प्रोस्टेट के इन्फेक्शन की वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। अब हम बात करेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में क्या सिम्टम्स होते हैं। इसका मेन सिम्टम है यूरिन का अनइंटेंशनली लीक हो जाना। यूरिन कभी भी लीक हो सकता है, स्पेशली खांसते समय, हंसते समय, छींकते समय, एक्सरसाइज के दौरान, हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के दौरान एंड इंटीमेट होते टाइम भी यूरिन लीक हो सकता है। इसके अलावा आपको बहुत बार पता ही नहीं चलेगा, यूरिन पास होने का सेंसेशन ही नहीं होगा, जिसके कारण से आपको हर टाइम गीलेपन का एहसास हो सकता है। तीसरा, जब आप यूरिन पास करने जाएंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा ब्लैडर एम्प्टी नहीं हुआ है और अभी और यूरिन पास होगा। अगर आपको यूरिन लीक होने की प्रॉब्लम है तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के कॉज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपको बार बार यूरिन लीक हो जाता है तो आप अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ज़रूर लें। सबसे पहले आपके डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फीमेल्स में पर स्पेक्युलम एंड पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है एंड मेल्स में प्रोस्टेट हेल्थ को चेक किया जाता है एंड इन्फेक्शंस को रूल आउट करने के लिए यूरिनरी रूटीन माइक्रोस्कोपी एंड यूरिनरी कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट को किया जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जाता है जिसमें कि रेजिडुअल यूरिन वॉल्यूम को चेक किया जाता है। इससे पता चलता है कि पी करने के बाद भी ब्लैडर में कितना यूरिन बचता है। अल्ट्रासाउंड से हमें किडनी स्टोन, यूरेट्रिक स्टोन, ब्लैडर स्टोन्स और कुछ और स्ट्रक्चरल लीजन्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगर इन सिंपल टेस्ट की मदद से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का कॉज आइडेंटिफाई नहीं होता तो सिस्टोस्कोपी या फिर यूरोडायनेमिक टेस्ट भी एडवाइस किए जा सकते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे कि बिहेवियर थेरेपी, पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन, मेडिकेशंस, मेडिकल डिवाइसेस एंड सर्जिकल ऑप्शंस। बिहेवियर थेरेपी का मतलब है ब्लैडर ट्रेनिंग। पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ एक्सरसाइज एडवाइस की जाती हैं जैसे कि कीगल एक्सरसाइज, वेजाइनल वेट ट्रेनिंग, बायोफीडबैक एंड पेल्विक फ्लोर इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेडिकेशंस भी अवेलेबल हैं जैसे कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड इसके अलावा पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में ईस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स को भी यूज किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे मेडिकल डिवाइसेस की जैसे कि प्लेसिंग यूरिनरी कैथेटर, इसके अलावा पेसरीज भी अवेलेबल हैं एंड यूरेथ्रल बल्किंग एजेंट्स जिसकी मदद से यूरेथ्रल ओपनिंग को छोटा किया जाता है एंड बोटॉक्स इंजेक्शन इनटू द ब्लैडर। जिन पेशेंट्स में मेडिकेशंस एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं उनमें एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स को एडवाइस किया जाता है जैसे कि डायपर्स, पेंटी लाइनर्स एक्सेट्रा। क्या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को प्रिवेंट किया जा सकता है?
जी, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा। हेल्दी वेट मेंटेन करें, स्मोकिंग को क्विट करें, एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें ताकि आपकी पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रॉन्ग रहे। इसके अलावा ब्लैडर इरिटेंट्स को अवॉइड करें, जैसे कि कैफीन, अल्कोहल, सोडा, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड सिट्रस फ्रूट्स एंड जूसेस एंड टोमेटोज, इनको अवॉइड करें। अब मैं आपसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से जुड़े मिथ के बारे में बात करूंगी। बहुत से लोगों का मानना है कि ये नॉर्मल एजिंग का एक पार्ट है और बढ़ती उम्र के साथ ये हर किसी को होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सच है कि उम्र के बढ़ने पर आप कुछ बीमारियों के लिए प्रोन होते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है और इन्फेक्शंस होने का रिस्क भी बढ़ता है, एंड मेडिकल कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये भी एज के साथ बढ़ती हैं। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस किसी अंडरलाइन डिजीज का सिम्टम हो सकता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ये हर किसी को होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको यूरिन लीक होने की प्रॉब्लम है तो इस मेडिकल कंडीशन से एम्बेरस ना हो, अपने डॉक्टर से मिलें, अपने सिम्टम्स को शेयर करें। शर्म के कारण इस प्रॉब्लम के साथ जिंदगी ना गुजारें, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।